फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने करियर में काफी स्ट्रगल किया है। कुछ लोग तो जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते, लेकिन कुछ को जल्दी ही कामयाबी मिल जाती है। आज हम बॉलीवुड के उस कॉमेडियन और एक्टर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने खुद के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर और पॉपुलर कॉमेडियन जॉनी लीवर के बारे में, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से कई बड़े बड़े एक्टर्स के छक्के छुड़ा दिए। इन्होंने 80 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री ली थी और करीब पिछले 4 दशकों से ही ये इंडस्ट्री पर राज करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, 63 साल की उम्र होने के बावजूद ये फिल्मों में अभी भी एक्टिव हैं। जॉनी लीवर का असली नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला है। इनका जन्म 14 अगस्त 1956 में प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। जॉनी का बचपन बेहद ही गरीबी में बीता। जॉनी लीवर ने अपने कई इंटरव्यू में बताया है कि वो अपने बचपन के दिनों में परिवार चलाने के लिए गलियों में पेन बेचा करते थे। क्योंकि वो अपनी 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए उन पर जिम्मेदारियां भी ज्यादा थीं। इसलिए वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए और 7वीं क्लास के बाद इनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। इनके पिता प्रकाश राव जनुमाला हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में एक ऑपरेटर का काम करते थे। कुछ टाइम बाद जॉनी लीवर ने भी अपने पिता के साथ ही काम करना शुरू कर दिया। जॉनी लीवर को बचपन से बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री करने की आदत थी और अपने खाली समय में वो मिमिक्री ही किया करते थे। हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम शुरू करने के बाद भी उन्होंने मिमिक्री नहीं छोड़ी और खाली समय में वो अपने को वर्कर्स के साथ, बॉलीवुड कलाकारों के साथ साथ कंपनी में काम करने वाले ऑफिसर की भी मिमिक्री किया करते थे। यहीं पर इनका नाम जॉन से जॉनी लीवर पड़ गया। धीरे धीरे जब जॉनी की कॉमेडी लोगों को पसंद आने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें स्टेज पर शो करने के लिए कहा। इसके बाद जॉनी ने ऐसा ही किया। इसके बाद वो स्टेज पर स्टैंड अप कॉमेडी करने लगे। धीरे धीरे जॉनी लीवर का नाम बड़े कॉमेडियन के बीच लिया जाने लगा। जब जॉनी लीवर की आवाज को लोग पहचानने लग गए तो उन्होंने ऑडियो कैसेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का तरीका निकाला और अपने प्रोग्राम हंसी के हंगामे के अंडर काफी सारी कैसेट रिकॉर्ड की। लेकिन लाइफ में जो मुकाम उन्हें मिलना चाहिए था वो अभी भी बाकी था। जॉनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इसी दौरान उन्हें एक स्टेज शो करने का मौका मिला था, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को भी बुलवाया गया था। इस दौरान वो परफॉर्मेंस देने से बहुत घबरा रहे थे, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस दी और पूरे हॉल में जॉनी जॉनी की आवाज गूंजने लगी। अगले दिन अमिताभ बच्चन के साथ अखबार में उनकी फोटो आई थी। जॉनी ने बताया, ये उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। साल 1982 में एक बार स्टेज शो के ही दौरान सुनील दत्त साहब की नजर जॉनी पर पड़ी तो उन्होंने अपनी फिल्म दर्द का रिश्ता में इन्हें काम करने का मौका दिया। जॉनी ने ये ऑफर ले लिया और इस तरह से अपने करियर की दूसरी शुरुआत की। इसी बीच इन्होंने कई फिल्में की, लेकिन साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म बाजीगर में इनके द्वारा निभाया गया बाबूलाल का किरदार काफी पसंद किया गया था। इसके बाद इन्हें देश भर में पहचान मिली। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े कॉमेडियन बनकर उभरे। वो हिंदी भाषा के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी जैसी कई भाषाएं अच्छे से बोल लेते हैं। कई फिल्मों में भी इन्हें कई तरह की भाषाएं बोलते देखा गया है। जॉनी ने अभी तक 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और अपने करियर में इन्हें कई ऐसे रोल भी मिले जिनकी वजह से ये लीड हीरो पर भी भारी पड़े। इन्होंने अपने करियर में बाजीगर, खिलाड़ी, करण अर्जुन, सोल्जर, जानवर, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, गोलमाल सीरीज, टोटल धमाल जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया है। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, दीवाना मस्ताना,
और दुल्हे राजा जैसी कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते इन्हें अभी तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट कॉमिक एक्टर के लिए सम्मानित किया जा चुका है। बता दें, जॉनी लीवर को आखिरी बार साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म बैड बॉय में देखा गया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इनकी आने वाली फिल्मों में एक मराठी फिल्म अफलातून है और दूसरी बॉलीवुड फिल्म बाप है। ये दोनों फिल्में इसी साल रिलीज होनी है। फिल्म में काम करने के साथ साथ जॉनी लीवर कई बार टीवी पर कॉमेडी शोज के जज भी बने। इन्हें टीवी पर जॉनी आला रे और कॉमेडी सर्कस जैसे कई शोज में बतौर जज के रूप में भी देखा जा चुका है। वैसे तो जॉनी लीवर हमेशा ही कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, लेकिन साल 1998 में इन्हें दुबई में दाऊद इब्राहिम के भाई के बेटे की जन्मदिन की पार्टी पर बुलाया गया था, जहां भारतीय संविधान और भारतीय राष्ट्रीय गान का अपमान करने के लिए जॉनी लीवर को 7 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई थी। रियल लाइफ में जॉनी लीवर ने सुजाता से शादी की, जिसके बाद इनके 2 बच्चे हुए। इनमें से एक बेटी है जिसका नाम जैमी है। जैमी अपने फादर की तरह स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो अभी तक कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इनके अलावा जॉनी का एक बेटा है जिसका नाम जेस है। जेस जल्दी ही बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं। जॉनी लीवर लोखंडवाला, अंधेरी वेस्ट, मुंबई में रहते हैं। फिल्मों में अपने किरदारों की तरह रियल लाइफ में भी जॉनी लीवर बेहद ही सिंपल रहते हैं। इन्हें महंगी गाड़ियों का भी शौक नहीं है। दोस्तों, आपको जॉनी लीवर पर यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, और उनकी कौन सी फिल्म आपको ज्यादा अच्छी लगी यह भी बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।